कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए पूरा देश चौकस है, लेकिन फाजिल्का के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। शुक्रवार को गांव उस्मानखेड़ा से कोरोना का एक संदिग्ध मरीज फाजिल्का के सिविल अस्पताल में लाया गया था। मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाला यह संदिग्ध मरीज 20 मार्च को नागपुर से वापस आया था, लेकिन एक घंटे तक फाजिल्का सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी सुध तक नहीं ली। मीडिया कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू को शिकायत करने के बाद ही सिविल अस्पताल का अमला हरकत में आया। मैं नागपुर में रहता हूँ, घर है, मैं वहाँ से आया था। कब आए थे? 20 तारीख को रात को 9 बजे हम अपने दुकान में आसमान खड़ा पहुँचा। उसके बाद कहना है हम अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लोग परसों गए, वो डॉक्टर गए, कल भी गए, कहना है आज ये कहेंगे, कहना है कि चलो आ गए यहाँ। अब फाजिल्का हम आए, घंटा हो गया, 10 बज रहे हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं, हम तो हमें अंदर रोके हैं, क्या ना है। ठीक है, देखिए ये हम इतने नहीं कर सकते, हमारे को तो उनको जो सैंपल लेना है ले है कि नहीं है, हम तो उसके नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, बैठे हैं, मान लो कोई पूछ नहीं रहा है, आप आए हैं तो ये गेट खोले है, नहीं तो बंद ही है। यहाँ तक अभी तो कोई नहीं है, गेट ही अब आप खोले हो। हमारा ये कहना है कि सब पे लेके आए हैं, हम उनके साथ दे रहे हैं, हम आए हैं, बाल लिए कल गए, परसों गए, क्या आज गए, हम तो कोई ऐसा कुछ नहीं किया, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक है हमारे को कोई अंदर अगर आपको शक है तो सैंपल कीजिए, लेकिन हमें संभालिए तो सही, घंटा हो गया आए हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने माना कि मरीज की नागपुर की ट्रेवल हिस्ट्री है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा कि शुरुआती जाँच में इस मरीज में कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने मरीज की जांच में देरी के मामले को देखने की बात भी कही। इसके बारे ज्यादा होता नहीं क्योंकि एमरजेंसी 24 घंटे खुली होती है। मैं बाकी का डिटेल पूछ लेने की तुहाड़े नाल भी एक्चुअली कितनी देर लगी है। मैं अपने ऑफिस नाल ही तरले पासे बैठा सीगा, उत्थे मैनूं फोन गया, मैं आप आके देख लेना, पर हुण तां पेशेंट एमरजेंसी च बैठा है, वह थोड़ा उहदी नागपुर दी ते दिल्ली दी ट्रैवल हिस्ट्री है ऑन द वे। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਿਡਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फाजिल्का जिले में कोरोना की चुनौती से निपटने के प्रबंधों पर दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।